अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। ये है जैसल पक चौपाटी भाईंदर की खाड़ी। घड़ी दिख नहीं रही तो रात के 10:30 बजे, 10 बजे आ गया था मैं वर्कआउट करने। म्यूज़िक भी बंद है तो वीडियो बना सकता हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। जिम से रात के 11:30 बजे अब भी घर पहुँचा हूँ। मतलब डेडिकेशन चाहिए, देन डाइट भी चाहिए। हाय गाइस, कल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, मुंबई में बारिश अच्छी खासी हो रही है और पिछले 4 दिन से तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बहुत जगह पर पानी भी भर चुका है। मेरा जो घर है उसके आजू बाजू के एरिया में भी पानी भर चुका है। पर छोटे मोटे काम रहते तो बाहर करने अभी जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए स्पेशली नियॉन कलर का टी शर्ट, ब्लैक अपना लाइकरा वाला पैंट रखता है कि गीला हो गया तो कोई बात नहीं, बट उसको भी अभी बोलते ना 2-3 बार पहनते तो बात मारने लग जाता है। ये पसीना सोखता है ना, इसके लिए ये इसलिए पहनता हूँ कि ये जैसे ही धूप आए या नॉर्मल में ऐसे खड़े रह जाऊँ तो पानी है ना फटफट सूख जाए। इसके लिए बारिश में ये वाले कपड़े पहनो और थोड़े नियॉन वाले, जिसकी वजह से आप बारिश में घूम रहे हो तो सामने वाले को दिखे, वरना क्या है काला कपड़ा पहनिए घूमेंगे तो सामने वाले को दिखते हैं। ये सब ध्यान रखना। बाहर बारिश आ रही है, अभी भी मैं बाहर ही जा रहा हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग में ये बता दूँ आपको, ये टिप मिलनी चाहिए। बारिश में अगर मैं ब्लॉग कर पाया तो अच्छी बात है, अदरवाइज पता नहीं मोटो ब्लॉग तो नहीं कर पाओगे, वो तो लगाया नहीं है। ठीक है, निकल रहा हूँ बारिश में। अब आप बोलोगे बारिश में ब्लॉग कैसे कर रहे हैं, मोबाइल का कवर मैंने लिया है उसकी वजह से मोबाइल को बारिश में कुछ होता नहीं और ऐसे ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये अच्छा है कि थोड़ा कॉस्टली गिरा था मुझे मोबाइल कवर, वाटरप्रूफ वाला, बट कोई बात नहीं, मोबाइल सेफ रहता है क्योंकि 25-30 हज़ार का मोबाइल लेते हैं, बोलते ना 1000-2000 देखने जाओगे तो मोबाइल ही ख़राब हो जाएगा। मेरा मालूम है ना मोबाइल ख़राब हो चुका है, कोविड में हुआ था, बाद में ये लेना पड़ा था। मेरी गाड़ी हो रही है, बाइक देखो कहाँ कहाँ से निकालनी पड़ती है। बाइक का यही फायदा रहता है, खाली थोड़ा हिलेगा बिकॉज माउंट इतना प्रो नहीं है इसके लिए। तो गाड़ी बाइक का ये फायदा रहता है, गली गुच्छी में ऐसे आप आराम से जा सकते हो और कोई आपको रोकेगा भी नहीं। यहाँ से एग्जिट अभी कहाँ है वो पूछना पड़ेगा। भाई बाहर जाने का रास्ता वहाँ से, तो अपनी बाइक या स्कूटर रहती है तो ये फायदा रहता है टू व्हीलर का कि कहीं पे भी जा सकते हो। फोर व्हीलर रहेगा तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है और फिर बाद में चल के जाना पड़ता है। और अभी ये मोबाइल से मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ बारिश आती है तो गोप्रो लेके नहीं घूमता, और ये मोबाइल पे क्या है थोड़ा वाटरप्रूफ कवर डाला है तो ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी मैं बाहर आया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी, अभी बारिश नहीं है। अभी मैं मेरा चेहरा दिखाता हूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सीरीज ब्लॉग्स। कभी अगर ऐसे भी ब्लॉग करना पड़ता है लोगों को सिखाने के लिए कि आपको अगर ब्लॉगिंग करनी है तो बीच से जा रहे हैं तो कहीं से भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जैसे आज बताओ मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मोटो ब्लॉग भी मोबाइल से कि आपने थोड़ी झलक तो देखी है। और यहाँ पर मैं भाईंदर खाड़ी में आया हूँ एक्चुअली आधा काम से, और यहाँ पर नज़दीक 5 किलोमीटर की दूरी पर ही भाईंदर खाड़ी होती है, तो मैं बोला चलो आपको दिखाई देता हूँ भाईंदर खाड़ी है कि नहीं। यहाँ पर बाइक पार्क करनी पड़ेगी, नो पार्किंग लिखा है भाई, क्या बात है नो पार्किंग लिखा है। अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। ये है जैसल पक चौपाटी भाईंदर की खाड़ी, बट सब कुछ अलग अलग लग रहा है। बहुत टाइम के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, कोविड के बाद आया हूँ मैं शायद। एक तो गाड़ी पार्क बराबर कर लेता हूँ, स्टैंड पे लगा देता हूँ। ये रही अपनी गाड़ी, ये है जैसल पक चौपाटी, वहाँ पे है समुंदर। यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉल लग जाता है फूड का, पानी पूरी का है, सेव पूरी, चाइनीज़ आइसक्रीम, चाइनीज़ वहाँ पे आगे था इसके लिए, वड़ा पाव नहीं देखा, वड़ा पाव तो मेन होना चाहिए। चलो अंदर चलते देखते। यहाँ पे ये गार्डन एरिया है, हाँ वॉक कर सकते हैं अंदर, क्योंकि एक लेडी वॉक कर रही है, हाँ वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम पहले आया था, बहुत टाइम के बाद अभी आया हूँ मैं। तो ये जो एरिया देख रहे हो वहाँ से आप समुंदर की तरफ जा सकते हो चल के नीचे, बट मेरे ख्याल से बारिश का मौसम है इसके लिए सब बंद कर दिया है, बोट भी साइड पे लगा दी है। यहाँ पे छोटी सी बोट राइड भी हो रही थी बट बंद हो गया है। वहाँ पर कबूतर खाना बोल सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम वहाँ पर, यहाँ पर सिटिंग एरिया है, लाइट वाइट लगाई हुई है, रात को यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं लोग मैंने देखा हुआ है। और गार्डन तो जैसे मैंने बताया वहाँ पे वॉकिंग चालू है,
बुजुर्ग लोग ज़्यादा आ रहे टाइम पास करने के हिसाब से। यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, सुनाई दे रही है तो वो साइड रेलवे पटरी पड़ी है, पेड़ की वजह से आपको फ्लाईओवर नहीं दिखाई देगा रेलवे का। ये जैसल पार्क चौपाटी, छोटी सी चौपाटी का बाहर का जाने का रास्ता, यहाँ से गाड़ी जाने नहीं देते। देखो बंद है गेट, यहाँ से गाड़ी जा नहीं सकती, टर्न मारना पड़ेगा। स्टेशन यहाँ से अभी मैं मेरे घर की तरफ जा रहा हूँ, तो बीच में दो तीन शॉप देखी थी जो अपने जिम के रिलेटेड कपड़े मिलते हैं, तो वो चेकआउट करने जा रहा है। फिर वहाँ से इतना घर की तरफ चले गए क्योंकि भाई रोहित का फ़ोन आ गया, भाई जिम कभी जाना है। मैं बोला आता हूँ यार 8-9 बजे तक, उसके बाद जाते हैं। क्या मस्त लग रहा ना ऐसे टाइप का खरीदने का है, बट कलर में खरीदने का है मुझे। पीछे से भी देखो बैक सही है अपने, ये वाइट तो ली है, अपने को रेड कलर और येलो कलर चाहिए इसमें। रेड सी मिलता है क्या? फ़ोन नंबर सेव कर लेना, जो नया स्टॉक आएगा तो भिजवाना, स्टॉक आएगी तो बाद में खरीदेंगे। अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये टी शर्ट क्या पॉली कॉटन है? कितने की है? ऐसे में कुछ अलग मतलब वाइट ही कलर में कुछ लिखा हुआ, अच्छा प्रिंट। बारिश बारिश बारिश, घर पे जाते जाते गिल्ला हो जाऊंगा और फिर जिम में जाने वाला लगता है। बारिश में तो ऑलमोस्ट मैं गिल्ला ही हुआ हूँ 100%। यहाँ पे देखो देखो अपना वोडा प्रूफ कवर है मोबाइल का, उस पर बचता हूँ बाकी तो क्या बोलिए। बारिश में तो भाई मोबाइल ख़राब हो जाना तो दिक्कत हो जाती है। चलो बारिश जब खुलती है तो सीधा जिम में मिलता हूँ मैं। घर पे आगे भूख भी लगी है, खाना खा लेंगे थोड़ा। घड़ी दिख रही रहेगी तो रात के 10:30 बजे, 10 बजे आ गया था मैं वर्कआउट करने। म्यूज़िक भी बंद है तो वीडियो बना सकता हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ बाइसेप्स वर्कआउट। चलो ये मिरर में दिखा देता हूँ, ये रहा अपना आज का जिम वेयर। जितेंद्र बन चुका हूँ, वाइट एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट शूज़। वर्कआउट करने में ज़्यादा फोकस करूँगा, ये रात हो चुकी है तो वर्कआउट कर लेता हूँ। और पसीना ना भरे तो कुछ काम का नहीं, मेहनत भले एसी है चालू फिर भी पसीना बहना चाहिए, उतनी मेहनत करो तब जाके बॉडी में रिजल्ट आता है भाई। जिम से रात के 11:30 बजे अभी घर पहुंचा हूँ, मतलब डेडिकेशन चाहिए, देन डाइट भी चाहिए, तब जाके फिजिक बनती है, अदरवाइज बनती नहीं। मैं ऐसा पहली मारा था परछाई रहती ना, तो मेरे को लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। रात को ये सब होता है परछाई वाला सीन, रात को बाइक भी चलाते, लॉन्ग ड्राइव पे गए, जंगल एरिया में गए, या फिर दूसरा नाम नहीं बता, बट कहीं कहीं जगह है वहाँ जाते हैं तो जो पेड़ पौधे तो उसकी परछाई आते डर लगता है, क्योंकि नेगेटिविटी है दुनिया में। कमेंट में बताना है या नहीं बताओ। अभी घर जाऊँगा, प्रोटीन पाउडर पीऊँगा, उसके बाद और एक मिल्क खाऊँगा। हाँ मिल्क कौन सा खाता हूँ प्रीवियस वीडियो में दिखा, देख लो। अभी घर चलता हूँ, प्रोटीन पाउडर सब पीता हूँ। ओके रात के अभी बजे है 12:30, घर पे आ गया, मैंने प्रोटीन पिया, देन उसके बाद 40 मिनट का ब्रेक लेने के बाद कार्ब्स और वेजिटेबल्स सब खाना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या खाया था, वही खाया, बट उसके बाद बर्तन भी खुद ही धोने पड़ते क्योंकि रात के 12 बजे घर वाले कोई हेल्प नहीं करने वाले। तो इसमें वेजिटेबल्स था, ये प्लेट यूज़ किया हुआ था, सोयाबीन इसमें रखा हुआ था तो ये निकाला, ये चम्मच से खाना खाया, ये प्लेट ऐसा सब ये खुद मैंने धोया है। और घड़ी दिखाता हूँ, घड़ी देख लो। सो यहाँ देखो, यहाँ पे घर वाले सो गए, वहाँ पे भी सो गए, ये वाले बेडरूम में भी सो गए, यानी अरे घड़ी 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 लाइट दिखा, लाइट चालू करता रुको। 12:05 हुए मेरे ख्याल से, ये घड़ी बंद है अपना। हाँ यहाँ पे मोबाइल है ना, यहाँ पे देखते कितना बजा, अरे 12:30 बजा है यहाँ पे, ये घड़ी शायद बंद हो गई है 12:30 बजे है, क्योंकि अपने मोबाइल में भी 12:30 बजा था ना। तो रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी डाला है, स्टोरी भी डाली है,
तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो कर लो अभी, आधा घंटा इससे लेके एक घंटे तक सोशल मीडिया पे रहूँगा। कल सुबह के जो काम रहते हैं उसकी पूरी प्रिपरेशन कर लूँगा, आज सुबह से लेके अब तक क्या काम किया, कौन सा सही काम किया, कौन सा गलत काम किया, किसको करेक्शन कर सकते, वो सब आधा एक घंटे देखूँगा। तब तक खाना जो खाया वो हजम भी हो गया, प्रोटीन खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत सो सकता हूँ। बट जो कार्ब्स खाया ना और वेजिटेबल्स, उसको थोड़ा हजम होने में टाइम लगता है। तो आधा घंटे से लेके एक घंटे तक, 2 बजे तक शायद मैं जगूँगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना सुबह के 2-3 बजे 4 बजे तक जगते रहता हूँ, तो वो कर लेता हूँ। मिलता हूँ कल सुबह डायरेक्ट। ब्लूटूथ हमेशा कान में लगा ही रहता है क्योंकि लोगों के रात को कॉल भी आते हैं, क्योंकि सुबह बिजी रहते तो रात को शांति से बात कर सकते हैं ना। इसके लिए अभी मैं शांति से अपना काम करता हूँ। गुड नाइट।